आगामी 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके चलते देश भर से विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही है। उसी श्रृंखला में नागपुर के ओम शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर विशाल महाप्रसाद के लिए राशन पहुंचाया गया, जिसके जरिए लगभग एक महीना अयोध्या भूमि पर अन्न छत्र चलेगा। सनातन धर्म के आधुनिक दीपावली के रूप में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखा जा रहा है, जिससे सभी सनातनियों के बीच आनंद प्रतीत हो रहा है। उसी श्रृंखला में नागपुर के ओम शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर विशाल महाप्रसाद के लिए राशन पहुंचाया गया, जिसके जरिए लगभग एक महीना अयोध्या भूमि पर अन्न छत्र चलेगा, जहाँ लगभग 8,000 श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। इस वक्त बैंड और शहनाइयां बजाते हुए अयोध्या मंदिर की झांकी समेत कुल 3 ट्रक राशन अयोध्या पहुंचा गया है, जिसके विषय में जानकारी दी राजेश चौबे ने। हमारा वहां पे लंगर है, ओम शिव सेवा शक्ति मंडल नागपुर शाखा का, वहाँ पे बहुत विशाल लंगर है, जो सुबह नाश्ता देगा, दोपहर में खाना मिलेगा, सब सभी को भोजन की व्यवस्था है, और रात में फिर भोजन की व्यवस्था है। और 18 जनवरी से लेकर तो 28 फरवरी तक हमारा भव्य विशाल भंडारा है, जिसके लिए ये यहाँ पे लाया गया है। ये भंडारे का गाड़ी है, जो इसमें पूरा सामान जा रहा है, चावल है, दाल है, आटा है, शक्कर है, हर प्रकार की वस्तु भोजन उपयोगी सामग्री यहाँ पे है, जो नागपुर से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।